दोस्तों, आपने इंसानों को दूसरे के बच्चों को गोद लेने की बात तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी एक जानवर को दूसरे जानवर के बच्चे को गोद लेते हुए देखा है? अरे देखना तो दूर की बात, आप में से कई लोग ये सोच भी रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे इंटेलिजेंट जानवरों वाली वीडियोस देखी होंगी तो हमने उसमें आपको बताया था कि दुनिया में कई जानवर ऐसे हैं जिनके अंदर हम इंसानों जितनी ही फीलिंग्स होती हैं। जैसे कि आप हाथी को ही ले लीजिए, हाथियों के ग्रुप में से कोई हाथी मर जाता है तो उसके लिए हाथियों का झुंड शोक मनाता है और इस दौरान कुछ हाथी के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, बच्चों को हमेशा प्यार और देखभाल से घिरा होना चाहिए। ये नियम सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी लागू होता है। जानवरों के साम्राज्य के लोग सहज के रूप में ये बात जानते हैं और इस बात के उदाहरण से साबित करते हैं। हम जानते हैं कि अभी भी कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि भला एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करने के बजाय उसकी देखभाल क्यों करेगा। लेकिन हमारी आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको उन जानवरों के बारे में पता चल सके जो असल जिंदगी में ऐसा कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं और देखते हैं कि कैसे एक जानवर दूसरी प्रजाति के जानवरों के बच्चों को गोद में लेते हैं। रशियन कैट एंड हेजहॉग। दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि जानवरों के साम्राज्य में ये एक दूसरे का जीवों का शिकार करके ही अपना पेट भरते हैं। अगर एक जानवर दूसरे जानवर को शिकार बनाता है तो वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचता कि इसके आगे पीछे भी कोई होगा। शिकारी जानवर को बस अपने शिकार से मतलब होता है। और जिन हेजहॉग को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले हम आपको बता दें कि हेजहॉग को हिंदी में कांटेदार चूहा कहते हैं। दरअसल इनके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कांटे जड़े होते हैं जो इनकी सुरक्षा के काम आते हैं। अब आप जिन हेजहॉग को देख रहे हो, इनकी माँ को किसी जानवर ने शिकार बना लिया जिसके चलते ये 8 बच्चे अनाथ हो गए थे। इनकी माँ के गुजर जाने के बाद इन्होंने दूध पीना छोड़ दिया था। ऐसे में वाइल्ड लाइफ की टीम द्वारा इन्हें श्रिंक से दूध पिलाया गया, लेकिन माँ का दूध न मिलने से ये कमजोर भी होते जा रहे थे। पर अचानक रूस में रहने वाली एक महिला ने इन कमजोर और लाचार जीवों पर दया करके इन्हें अपने घर में ले आए। आपको बता दें कि जिस काली बिल्ली को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है मुस्का। भाई, यू कहते हैं ना कि एक माँ किसी भी बच्चे को अनाथ देखे तो उसका दिल भर जाता है। इसलिए इस काली बिल्ली ने भी इस छोटे छोटे बच्चों के दर्द को समझना और अपना दूध इन बच्चों को पिलाने लगी। बिल्ली की इस हरकत को देखकर इसकी मालकिन भी हैरान थी कि आखिर ये कैसे हो गया। और दोस्तों, वो महिला ही नहीं, हम भी इस बात से हैरान हैं कि इन दोनों जीवों में इतने सारे डिफरेंस होने के बाद भी ये एक माँ और बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो इन कांटेदार चूहों ने पिछले जन्म से कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो इन सभी को बिल्ली ने अपने बच्चों की तरह गोद ले लिया। नेक्स्ट इज क्रो लव्स डॉग एंड कैट। दोस्तों, अगर कोई कुत्ता या बिल्ली किसी भी पक्षी को देख ले तो ये दोनों ही जानवर उसको अपना शिकार बनाना चाहेंगे। वैसे इसमें इनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि जानवरों का साम्राज्य में ऐसा ही होता है। लेकिन अब आप इस वीडियो क्लिप को देखिए जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जंगली कौवा कुत्ते और बिल्ली को अपनी चोंच से खाना खिलाते हैं और ये दोनों कुत्ता बिल्ली भी आराम से इसके द्वारा खिलाए गए खाने को खा लेते हैं। हम जानते हैं कि ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए हम आपको इनके बारे में बताना चाहते हैं ताकि आपको भी जानवरों के इस मोहब्बत के बारे में पता चल सके। दरअसल दोस्तों, ये जो कौवा है इसके पंख टूट जाने की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, लेकिन इसे एक नेक दिल इंसान ने देखा और इसको अपने घर ले आया। कुछ दिन तो उसने कौवे को कुत्ते बिल्ली से दूर रखा, लेकिन उस व्यक्ति के पालतू जानवर काफी समझदार थे। ये दोनों ही कुत्ते बिल्ली ने धीरे धीरे इस कौवे को अपना साथी बना लिया और अब आप खुद ही देख सकते हो कि इन दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है कि अब ये कौवा इनको अपनी चोंच से खाना खिलाता है। नेक्स्ट इज गीज एंड पिग। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि जानवरों के साम्राज्य में कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने से कमजोर जानवरों को परेशान करते हैं, लेकिन इसी साम्राज्य में कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो कि कमजोर जानवरों की परेशानी को समझते हैं। अब आप इस वीडियो क्लिप में ही देख लीजिए, दरअसल जब इस सुअर का जन्म हुआ था तो ये काफी छोटा था और शरीर में पिगमेंटेशन की कमी के चलते इस सुअर का रंग बाकी सुअरों से बहुत अलग था। विचित्र रंग होने की वजह से बाकी सुअरों ने इस छोटे सुअर को अपनाने से इनकार कर दिया और इससे परेशान करने लगे और अपने ग्रुप से भी निकाल दिया। लेकिन भाइयों, अब ये सुअर गीज के साथ रहा करता है क्योंकि इन सभी गीज ने इस सुअर के साथ हुए गलत व्यवहार को देख लिया। आप वीडियो में देख सकते हो कि अब ये सुअर और बाकी के गीज साथ में ही रहा करते हैं। इसके अलावा जब भी वो सुअर इस छोटे से पिक को परेशान करने आते हैं तो ये सभी मिलकर उन्हें भगा देते हैं। इन दोनों जीवों की दोस्ती को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। नेक्स्ट इज कैट एंड रैबिट। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बिल्ली और खरगोश की खूबसूरत दोस्ती की।
जिन्हें देख आप जरूर हैरान रह जाएंगे। वैसे ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बिल्ली और खरगोश में सदियों से दुश्मनी चलती आ रही है, और इस दुश्मनी में बिल्ली ही हमेशा से खरगोश का शिकार करके उसे अपना भोजन बना लेती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। दरअसल ये कहानी है इंग्लैंड की, जहाँ एक महिला को सुबह की सैर करते समय एक खरगोश का बच्चा दिखाई देता है जो कि पूर्ण रूप से भीग चुका होता है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। लेकिन उस महिला को इस छोटे खरगोश को परेशान देखकर इस पर दया आ जाती है, इसलिए वो महिला इसे अपने घर में ले आती है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि वो महिला इस खरगोश की जिम्मेदारी अपने घर में मौजूद पालतू बिल्ली को दे देती है। आपको बता दें कि इस बिल्ली का नाम स्निकलेस है, जिसने कुछ दिन पहले ही अपने बच्चों को जन्म दिया होता है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस बिल्ली ने खरगोश को अपने बच्चों की तरह अपना दूध पिलाया और देखरेख किया। इन दोनों के बीच इस प्यार को देखकर यूं लगता है कि दुनिया की सारी मासूमियत हमारे फोन की स्क्रीन पर आ गई हो। नेक्स्ट इज व्हाइट टाइगर एंड चिंपैंजी। दोस्तों प्रकृति कब अपना रौद्र रूप ले ले इसका किसी को नहीं पता होता, लेकिन हम पहले ये देख चुके हैं कि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप ले लेती है तो हजारों लोगों के घर, हजारों लोगों की जान तक चली जाती है। पर दोस्तों अगर आपको लगता है कि प्राकृतिक घटनाओं से होने वाले नुकसान सिर्फ हम इंसान ही झेलते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राकृतिक घटनाओं के चलते जानवर के घर और खुद जानवर भी तबाह हो जाते हैं। वो कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों साउथ कैरोलिना के जंगल में भारी तूफान के चलते ये दोनों सफेद टाइगर अपनी माँ से अलग हो जाते हैं, लेकिन एक महिला जो कि खतरनाक जानवरों का ध्यान रखती है वो इन दोनों टाइगर के बच्चों को अपने सेंटर में ले आती है। और इस सेंटर में मौजूद आन्या नाम का ये चिंपैंजी इन दोनों टाइगर को अपने बच्चों की तरह अपना लेती है। ये दोनों टाइगर कब्स भी इस चिंपैंजी के साथ घुल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से चिंपैंजी इनकी सरोगेट मदर बन जाती है और इन दोनों की देखभाल करती है। वैसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि ये तीनों साथ में ऐसे मजे करते हैं जैसे कोई दूसरी प्रजाति के जानवर ना होकर एक ही प्रजाति के हो। आप हमें कॉमेंट्स में बताइए कि क्या कभी आपने दूसरी प्रजाति के जानवरों को एक साथ रहते हुए देखा है। नेक्स्ट इज डॉग एंड कैट। दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि एक कुत्ता और बिल्ली कभी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। वैसे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन दोनों के ही बच्चों में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि शुरुआती दिनों में दोनों के ही बच्चे सिर्फ एक माँ का प्यार चाहते हैं। अब इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें पालने वाला कौन सा जीव है। अब हम आपको बता दें कि जॉर्जिया देश में तीन अनाथ बिल्ली के बच्चों को एनिमल शेल्टर में लाया गया। आप देख सकते हैं कि कुत्ता इन तीनों ही छोटी और क्यूट सी बिल्लियों को देखकर इनको चाटने लगती हैं। आप बता दें कि इसका नाम मैरी है, जिसने हाल ही में अपने बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी मैरी ने इन कमजोर और अनाथ बिल्लियों को अपना लिया और इन्हें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करने लगी। आप इस वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं कि मैरी इन बिल्लियों को भी अपने बच्चों के साथ रखती है और इन्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। इस दृश्य को देखकर ये साबित हो जाता है कि एक माँ के दिल से बड़ा किसी का दिल नहीं होता। लास्ट इज लायन एंड डॉग। दोस्तों इन दोनों का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि भला एक कुत्ता और लायन कैसे एक साथ रह सकते हैं, लेकिन हमें अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि दूसरी प्रजाति के जानवर भी एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको ऐसे जानवरों के बारे में बता चुके हैं। दरअसल दोस्तों सिनसिनाटी जू, जो कि अमेरिका देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर है, इस चिड़ियाघर में जब नई बेबी एनिमल्स आते हैं तो उन्हें बाकी के जानवरों से प्यार और वहाँ के लोगों से देखभाल की काफी जरूरत होती है। आपको बता दें कि इस चिड़ियाघर में जानवरों को ये भी सिखाया जाता है कि कौन से जानवर के साथ कैसा बर्ताव करना है। वैसे इंसानों के बच्चों को ये बात समझाना तो फिर भी आसान है, लेकिन जानवरों के बच्चों को ये समझाना थोड़ा मुश्किल। लेकिन सिनसिनाटी जू में रहने वाले ट्रेनर इस काम को बहुत आसानी से करते हैं। आप देख सकते हो कि एक काले रंग का कुत्ता एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। इतना ही नहीं, ये कुत्ता बाकी के अन्य जानवरों को प्यार और उनकी देखभाल करता है। आपको बता दें कि इस कुत्ते ने अब तक कई जानवरों को पाला है और उसी में से एक शेर भी था, जिसे 7 सालों तक ये कुत्ता अपने साथ ही रखता है। वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जानवर इसके साथ खेल रहे हैं और उसके बदले में ये कुत्ता भी इन दोनों के बाप होने की भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।